हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रवा के लड्डू यानी कि सूजी के लड्डू, जो घर में रखी हुई चीज़ों से बनेगी और बहुत आसानी से बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक भारी तले की हम कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 2-3 चम्मच घी, और एक कटोरी हमने ले लिया है। इसी कटोरी को फिक्स कर लेते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो उस कटोरी से 1 कप रवा यानी कि सूजी हम डालते हैं कढ़ाई में, और घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तभी सूजी ऐड कीजिएगा। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर हमें इसे सूजी को रोस्ट करना है। इसमें हमें 6-7 मिनट लग सकते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे हम सूजी को रोस्ट करते रहेंगे यहाँ तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये लिया है हमने फ्रेश नारियल। तो फ्रेश नारियल को हमने ग्रेट करके निकाल लिया है। आप चाहे तो सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, सूखे नारियल को भी ग्रेट करके यूज़ कर लीजिए, और वो भी ना मिले तो डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए। तो नारियल को हम डाल देते हैं सूजी में। हमें सूजी को अभी भूनते हुए 6 मिनट हुए हैं। अब नारियल डाल के भी हम भूनेंगे थोड़ा सा, और उसके साथ ही हम मिला देते हैं 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मत डालें। तो अब हम 2-3 मिनट और भून लेंगे सूजी की और इन मिक्सचर को। तो अभी से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है और सूजी का देखिए टेक्सचर भी बदल गया, कलर भी बदल गया है। बहुत आसानी से दिख रहा है कि सूजी का कलर चेंज हो गया। उसके साथ ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, किशमिश और काजू। आप अपनी पसंद के कुछ और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट्स डाल के भी थोड़ा सा हम भून लेंगे और अब फ्लेम ऑफ करके अब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। इधर एक तरफ हम एक पैन में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डाल करके उसे गर्म करते हैं, और उसे एक कटोरी से मेज़रमेंट करेंगे जिससे कि हमने सूजी ना पता। तो चीनी को अभी घुलने देते हैं, फ्लेम मीडियम रखिएगा। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसे 2-3 मिनट तक और बॉयल करेंगे। हमें इसका एक सिरप बनाना है, 1 तार की चाशनी बनानी है। तो 2-3 मिनट हो गए हैं बॉयल करते हुए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा 1 तार बना है कि नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा तार नहीं बन रहा है, बल्कि तार बन के टूट जा रहा है। तो बस थोड़ा सा और हम बॉयल कर लेंगे और फिर से चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो बना रहे हैं ये चिपचिपा सा हाथ में हमने सिरप लगाया है, तो ये एक स्ट्रिंग की चाशनी बन गई, ये तार सा बन जा रहा है, ये देखिए। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम सूजी के मिक्सचर में 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, उसे मिक्स कर लेते हैं। और बनाई हुई चाशनी को या सिरप को सूजी के साथ मिला देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चाशनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम ढक करके 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। दो मिनट के बाद हम खोलते हैं। अभी हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गर्म ही है। हाँ, इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसके लड्डू बना सकें, यानी हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगे। तो मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गर्म है। अब हम इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं, क्योंकि रवा है, बहुत आसानी से बनता है। ये देखिए गोल मटोल हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये आसानी से बन जाने वाला लड्डू आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, और जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तभी बना सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से कितने रसीले दिख रहे हैं, है ना। तो आप
भी ये बनाइए और हमें एक फीडबैक दे दीजिए। तो इसी तरह की रेसिपी मैं लेके आती रहती हूँ, जल्दी झटपट बन जाने वाली। और मैं ये ध्यान रखती हूँ कि आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो उसी चीज़ से हमारी डिश या रेसिपी बन के तैयार हो। तो फिर मिलते हैं कुछ नया और अच्छा मज़ेदार लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।